दशमलव के वर्गमूल से संबंधित मिथ्या धारणा, मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने दशमलव संख्याओं के वर्गमूल से जुड़े कुछ उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम इससे संबंधित एक मिथ्या धारणा देखेंगे। चार दोस्त संख्या 0.0144 का वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। उनके उत्तर कुछ इस प्रकार हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से किसका उत्तर सही है? आप चाहें तो वीडियो को यहाँ रोककर सवाल को हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 144 का वर्गमूल 12 होता है। अमित ने 0.0144 का वर्गमूल ज्ञात करते समय 144 का वर्गमूल 12 लिखा और इसके आगे इस प्रकार से 0.0 जोड़ दिया। यह एक गलत समझ है। विशाल ने इस संख्या का वर्गमूल भागफल विधि से इस प्रकार निकाला। यहाँ इस संख्या का वर्गमूल एक पूर्ण संख्या के बराबर आ रहा है। इसका मतलब विशाल का उत्तर गलत है। राहुल और विकास दोनों का जवाब एक है, लेकिन इनकी समझ अलग है। अब राहुल के उत्तर को देखते हैं। उसने सोचा कि दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसने शून्य को हटा दिया है। इससे उसे संख्या 0.144 प्राप्त हुई। संख्या 144 का वर्गमूल 12 होता है, इसलिए राहुल ने इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते समय 144 का वर्गमूल 12 लिखा और फिर 12 के पहले 1 लगा दिया, जिससे उसे उत्तर के रूप में 0.12 प्राप्त हुआ। यह उत्तर तो सही है, लेकिन हल करने की विधि गलत है। अब देखते हैं कि विकास ने किस प्रकार से यह प्रश्न हल किया है। इस संख्या में केवल दशमलव भाग ही है, तो सबसे पहले उसने दशमलव के दाईं ओर अंकों का युग्म बनाकर उन पर बार लगाया। फिर वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की, जिसका वर्ग सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या के बराबर या छोटा हो। यहाँ वह संख्या 1 है। इसके बाद प्राप्त संख्या को भाजक मानते हुए और सबसे बाएं वाले बार के नीचे वाली संख्या को भाज्य मानते हुए शेषफल ज्ञात किया। यहाँ प्राप्त शेषफल 0 है, क्योंकि पहली भाज्य संख्या 1 भाग में थी। इसलिए हम भागफल में पहले दशमलव लगाएंगे और फिर उसके बाद पहला अंक 1 होगा। इस प्रकार हल करते हुए इस संख्या का वर्गमूल 0.12 प्राप्त हुआ। इस प्रकार विकास का उत्तर सही है। इस संख्या का वर्गमूल हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहाँ हमने दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तन करके उसका वर्गमूल ज्ञात किया। अब आप इन संख्याओं के वर्गमूलों का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको सहायक संकेत भी दिए गए हैं। आप इसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर हल करने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में हमने दशमलव संख्याओं के वर्गमूल से संबंधित एक मिथ्या धारणा देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।